हेलो एवरीवन। वेलकम बैक। तो अभी अपना टॉपिक रहेगा ही स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, जो गोला और उसके साथ में अर्थ गोला। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, फिर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके फॉर्मूले के दो दो आई थिंक हाँ दो दो ही फॉर्म इसके गोले के दो क्वेश्चन हैं, दो फॉर्मूले हैं एंड हेमिस्फेयर के भी दो ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्फेयर देखते हैं। देखो, पता है स्फेयर कैसा होता है? बॉल। चलो, ये एक स्फेयर हो गया। ओके, और हेमिस्फेयर कैसा होता है? अर्धगोला, जो इस शेप में होता है। ये गोला है, इसकी त्रिज्या आर डन एंड इसकी त्रिज्या भी आर। तो सबसे पहले इसके आयतन का फॉर्मूला देखते हैं। जो गोले का आयतन होता है कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और साथ में इस जो अर्धगोला है इसका आयतन होता है, इसका आधा आयतन, तो इसका 2/2, इसका 1/2 करेंगे, 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो ये इसका ये वाला पाई आर स्क्वायर, और इसका जो बाहर वाली बाउंड्री है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका आधा ही तो है, जो गोला है इसका आधा ही, तो इसका आधा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो बाउंड्री का आ गया, चारों तरफ की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक की। और फिर ये जो ऊपर सर्किल बन रहा है इसका कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय होता है 3 पाई आर स्क्वायर। डन। तो इसके दो फॉर्मूला हो गए, दोनों के दो दो। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 21 सेमी, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 21 सेमी व्यास के गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक गोला है और इसकी त्रिज्या है 21 सेमी, इसका व्यास है। ओके, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2। ठीक है, आर की वैल्यू 21/2 दे रखी है। तो अपने को गोले का आयतन, गोले का आयतन पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसमें वैल्यूज रखेंगे 4/3 पाई, पाई का 22/7 और आर क्यूब 21/2 × 21/2 × 21/2। तो जितने कैंसिल हो रहे हैं उतने कैंसिल करते हैं, ये 7, ये 21, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से 2 × 2 = 4, ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, 11 × 2 = 22। तो कितना बचा? 11 × 21 × 21, 21 का 444 होता है, सॉरी 441। तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4851। तो इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका घन सेमी में 4851 इसका आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलार्ध, गोले को गोलार्ध में बोलते हैं, एक गोलार्ध कटोरी की त्रिज्या दे रखी है। सॉरी, गोलार्ध मतलब गोले का आधा। तो अपने को अर्धगोला दे रखा है और इसकी त्रिज्या दे रखी है, मतलब ये अर्धगोला दे रखा है और ये इसका ऊपर का आधा काटेंगे गोले को, तो ऐसा ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी, r = 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 6 सेमी। तो कटोरी की धारिता पूछी है, मतलब अर्धगोले का धारिता उतनी, मतलब जितना वो उसमें कुछ वैल्यू सॉरी जिसमें उसमें जितना लिक्विड या फिर जितना सामान आ सकता है वो उसकी धारण करने की क्षमता धारिता होती है। ओके, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 πr³। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब मतलब 6 × 6 × 6,
डन। अब इसमें पाई की वैल्यू है ऑलरेडी, मतलब पाई दे रखी है, तो अपन पाई की जगह ऑप्शन में पाई रखते हैं। 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, 4 × 6 × 6। चौबीस, 6 × 6 = 24, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला दे रखा है अपने को, तो ऐसे एक गोला है, ठीक है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, दे रखा है अपने को। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4 π r² और इसकी वैल्यू दे रखी है 8 π। ओके, तो गोले का आयतन पूछा है, आयतन की, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 π r³। तो इसके लिए अपने को r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू जो ये वाली क्वांटिटी गिवन है इससे निकालेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 × 2 = 8, तो r की वैल्यू कितनी होगी, √2, राइट। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं आर क्यूब की, तो 4/3, आयतन कितना होगा, 4/3 π r³, तो √2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 π 2√2, तो 4 × 2 = 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8√2 π/3, मतलब 8√2π/3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दे रखा है, गोलार्ध दे रखा है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 π है, 27 π सेम सेम स्क्वायर, मतलब वर्ग सेम या वर्ग सेम स्क्वायर, मतलब अपने को दे रखा है एक अर्धगोला, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब अपने को पता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 π r² π r² और उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 27 π। ओके, तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या, आर की वैल्यू पूछी है सीधी सी, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो इससे ये कितनी बार कैंसिल होगा, 9 टाइम, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से r² = 9, तो r की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, मतलब इसमें दो गोले दे रखे हैं, सपोज करो एक गोला ये है, एक गोला ये है, तो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मैंने इसकी त्रिज्या r1 ली है, इसकी r2, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 π r² का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, दोनों का अनुपात दे रखा है 4 π r² इनका वैल्यू कितने दे रखे है, 4:9, ठीक है। और इसके पूछा है कि वॉल्यूम का अनुपात फर्स्ट का और सेकंड के आयतन का अनुपात निकालना है अपने को, तो इसके लिए क्या चाहिए, 4/3 π r³, आर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, इनका अनुपात दे रखा है तो पहले इनका ये कैंसिल हो गया, तो r1² = क्या हो गया, r2² = क्या दे रखा है, 4:9 दे रखा है, तो यहाँ से r1 / r2 कितना आया, 2:3, दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे। अब अपने को निकालना क्या है, आयतन का अनुपात, तो आयतन अपने को पता है कि कितना होता है, v1 / v2, पहले गोले का आयतन 4/3 π r1³ रेशियो 4/3 π r² तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, r1 की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 2x³ करेंगे, मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, देखो यहाँ से क्या मिलता है, r1 = क्या हो गया, 2x एंड r2 = 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू कैंसिल आउट होनी है, तो मैं इसको पुट नहीं कर रही, तो 2 का r1 की वैल्यू मैं सीधा सीधा 2 मान रही हूँ, ये ऐड होगी, 2 का क्यूब करेंगे इधर, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, तो जो आयतन है उनका अनुपात कितना आ जाएगा, 8:27, ऑप्शन सी। डन,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतन का अनुपात। तो देखो अभी अभी अपन ने देखा है कि यदि R1 अनुपात त्रिज्यों का अनुपात होगा तो ये होगा, यदि त्रिज्या का अनुपात ये है तो जो आयतन का अनुपात कितना होता है, R1 क्यूब R2 क्यूब, ये देखा है ना अपन ने, उनके घनों के आयतन के बराबर। ऐसे ही अब क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अपने को आयतन का अनुपात कितना दे रखा है, 4/3 π R1 क्यूब, पहले कोने का आयतन, दूसरे कोने के आयतन का अनुपात दे रखा है अपने को 64/125। इनसे ये कैंसिल, तो यहाँ से दोनों साइड क्यूब करेंगे, क्यूब नहीं मतलब दोनों साइड 1/3 घात लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, घनमूल। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का, और ये कितना का हो जाएगा, 5 का। तो यहाँ से कितना आया, R1 अनुपात R2, राइट। मतलब ये क्या था, R1 क्यूब R2 का क्यूब कितना था, 64/125। तो मैंने दोनों साइड 1/3 ले लिया पावर, तो यहाँ से R1 अनुपात R2 कितना आ गया, 4/5। अपने को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π R1 का स्क्वायर अनुपात, दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्र 4π R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल, R1 कितना है, 4, और R2 5, तो 4 का 16, तो R2 5 25। तो मतलब यदि अपने को त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा हो, R1 अनुपात R2, तो उनके आयतन का अनुपात तो कितना होगा, R1 क्यूब अनुपात R2 क्यूब। सीधा सीधा यही करेंगे, और उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया उसका कितना होगा, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। ओके, तो 16, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है। एक अपने को क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, और एक हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोलक दे रखा है। ओके, इनकी त्रिज्याएं क्या बता रखी है, समान बता रखी है, मतलब यदि इसकी आर है तो इसकी भी आर है, ठीक है। उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो अपने को पता है स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एच, इनका अनुपात पूछा है, ठीक है। इसका अनुपात क्या होता है, 4π R स्फीयर का स्क्वायर, और 4π R हेमिस्फीयर का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल, अब ये दोनों भी बराबर ही हैं, क्या बताया इसमें, त्रिज्याएं दोनों की बराबर है, इसका क्या होता है, 3π R स्क्वायर होता है, 4 नहीं होता, जो अर्धगोल है उसका आयतन, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पाई कैंसिल होगा, ना कि 4। तो ये क्या हो गया, 4R R S 1, सॉरी रेडियस ऑफ स्क्वायर, और ये इसकी त्रिज्या का स्क्वायर अर्धगोले की। तो यहाँ से त्रिज्या समान है, मतलब आर एस की वैल्यू क्या है, आर है, और इसकी आर एच की वैल्यू एस, इसकी भी आर ही है, दोनों की त्रिज्या समान है, ये इससे कैंसिल, 4/3 हो जाएगा यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यदि आयतन बराबर हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, वो तो सीधा सा दिख जाएगा, 1/2 हो जाएगी ना। अब ये बोल रहा है कि इनकी आयतन बराबर है, मतलब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 π R³। इसकी 1 मान लो, ये R1 है, इसकी त्रिज्या इसकी R2 है, और आयतन बराबर है, मतलब इसका आयतन कितना होता है, 2/3 π R2 का क्यूब, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2/4, राइट। तो यहाँ से इसका क्या करेंगे,
ऐसे इसका करेंगे घन, आयतन बराबर है तो उनकी तिरछाओं का अनुपात निकाल लिए। अब देखो दोनों साइड क्या लेंगे, अब 1/3, तो R1 अपॉन R2, तो 2 का 1/3 कितना होता है, और 4 का 1/3। पहले तो ये कैंसिल हो रहा है, 1/2 से हो रहा है, तो यहाँ से इसका अनुपात क्या जाएगा, 1/2 की पावर 1/3। तो इसका अनुपात ये क्या आ जाएगा, R1 अनुपात R2 कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 1/3। या फिर इसको ये वाला भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब अपने को एक गोला दे रखा है और एक दूसरा गोला है, इन दोनों में अंतर क्या है। ये वाले क्या थे, त्रिज्या दोगुनी, इसकी आर है और इसकी 2R है, तो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4π R²। यदि 2R कर दूं तो इसका कितना हो जाएगा, 4π त्रिज्या का स्क्वायर, तो यहाँ से ये 4π R² और ये कितना हो जाएगा, 4π, और यहाँ से 4R², मतलब 4π R² और ये 4 इधर ले लूं, तो ये कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना, राइट, दोगुनी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले के अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। पहले तो अर्धव्यास क्या होता है, क्वेश्चन है यदि एक गोले के अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या को दोगुना, पहले ये आर थी फिर 2R कर दिया, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। अब उन्हें को पता है आयतन क्या होता है, 4/3, जिसकी त्रिज्या आर हो उसका 4/3 πr³, और 2R वाले का आयतन 4/3 π 2R³, त्रिज्या का क्यूब होता है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले तो ये था ये, और 4/3 π 8 R³, तो ये 8 बाहर आ जाएगा, 4/3 π R³, तो यहाँ से कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गोला दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि एक गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो, एक गोला दे रखा है ठीक है, अब इसका आयतन मतलब इसकी त्रिज्या मैंने आर मानी, इसका आयतन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो उसका व्यास कितना है, मतलब 2R पूछा है, त्रिज्या आर है तो 2R की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे इसका आयतन इक्वल है पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो अपने को दिखाना है गोले का आयतन जिसके त्रिज्या आर हो 4/3 π R³ और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π R², तो यहाँ से सॉरी 4 से 4 कैंसिल, π से π कैंसिल, R³ से R² कैंसिल, तो यहाँ से R इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, R इक्वल 3 आ गई, तो व्यास कितना हो जाएगा, 2R मतलब 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का दोगुना है, मतलब 2 गोले दे रखे हैं अपने को, एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है ठीक है, 2 गोले दे रखे हैं और बोल रहा है कि एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास के दोगुना है, इसका व्यास मतलब यदि इसका व्यास क्या, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का दोगुना है, तो इसका व्यास मैंने सपोज करो 2R लिया, तो इसकी त्रिज्या R हो गई, तो इसका दोगुना है, मतलब यदि 2R व्यास हो तो इसका कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, मैंने इसका व्यास कितना लिया है, जो S1 स्पेयर फर्स्ट और स्पेयर सेकंड, मैंने इसका व्यास लिया है 2R। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे गोले का व्यास इसके व्यास से दोगुना है, मतलब इसका व्यास कितना हो जाएगा, दोगुना मतलब 4R, तो यहाँ से इनकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी R आ जाएगी और इसकी
पहले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? आर, और दूसरे की त्रिज्या 2R। और क्या बोल, पहले की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल दूसरे के आयतन के, मतलब S1 का जो सरफेस एरिया है, S1 का सरफेस एरिया ऑफ 1 इक्वल किसका है? दूसरे के आयतन के संख्या की दृष्टि, मतलब दूसरे का आयतन V2। मैंने ये स्पेयर फर्स्ट लिया है, ये सेकंड लिया है, ठीक है। बोल रहा है कि वक्रीय सतह का क्षेत्रफल दूसरे के आयतन की संख्या की, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो त्रिज्या का मान निकालना है, ठीक है। पहले की त्रिज्या आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आयतन कितना होगा? सरफेस एरिया 4π r² मतलब त्रिज्या का स्क्वायर होता है, इसकी त्रिज्या मैंने आर लिखी है, और इसका आयतन 4/3 π r³, तो इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या क्यूब 2R³। तो वैल्यू निकालो, यहाँ से 4π से 4π कैंसिल, r² इक्वल हुआ 1/3 8 r³, राइट। तो यहाँ से ये कितना आया, r बच गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से ये इधर भाग में तो ये गुणा में जाएगा, ये 3/8 इसकी r आ गई। इसकी त्रिज्या कितनी है, पहले वाले की त्रिज्या कितनी आई? 3/8। 3/8 कैसे आ गई फिर? ऑप्शन में नहीं इतना तो। फोर पाई से 4π कैंसिल, r² हो गया, 4π r² होता है। कौन से का दे रखा है? पहले की, पहले गोले का व्यास, गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास से, उस गड़बड़ करती गड़बड़ करती, क्या गड़बड़ करी है? अपन ने पहले गोले को 2R दे दिया और दूसरे को 4R, और इसमें क्या दे रखा है? एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का दुगुना है, अपन ने ऑपोजिट करना था। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो कहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। मतलब क्या करना है, यहाँ पे बोल रखा है एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का दुगुना है, मतलब इस गोले का व्यास इसके व्यास से दुगुना है। कहने का मतलब ये है, अपन ने अपोजिट मान लिया ये। ये पहला गोला है, चलो फिर से करते हैं सारा क्वेश्चन। एक गोला ये वाला है और एक ये वाला है, क्वेश्चन फिर से पढ़ना, ऐसे मिस्टेक हो जाती है, मेरे से खुद से होती है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो बोल रहा है कि एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का दुगुना है, मतलब इस गोले का व्यास जो फर्स्ट है इसके व्यास का दुगुना है। यदि इसका व्यास मैं ए मान रही हूँ, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 2A है। कहने का मतलब ये, इसका ये फर्स्ट गोला है, ये सेकंड गोला है। फिर तो यहाँ से त्रिज्या मान लो, इसकी ए हो जाएगी, इसकी a/2 हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रही। और पहले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का कितना होगा? 4π r², इसकी आर कितनी है? ए, इसके आयतन के बराबर, तो दूसरे का 4/3 π r³, मतलब त्रिज्या क्यूब, और त्रिज्या कितनी है इसकी? a/2। तो इसकी त्रिज्या पूछिए, मतलब ए की वैल्यू पूछिए अपने को। तो यहाँ से कैंसिल को, 4π से 4π कैंसिल, a² से 1a, 1a कैंसिल हो गया। अभी भी ज्यादा ही आ रहा है फिर तो। ज्यादा कहाँ रहा है, सही आ रहा है। तो यहाँ से ये ए कितनी हो जाएगी? 3 × 2 × 2 × 2, डन। तो यहाँ से 3 × 2 = 6 × 12 = 24, 24 आएगी। ओके।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु की खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेमी है, मतलब एक धातु की खोखली गेंद दे रखी है अपने पास, कोई गेंद है धातु की, वो खोखली है, मतलब सपोज कर दो ये बाहरी है और इसकी मोटाई हाफ है, एक अंदर और है खोखली है, तो ठीक है बाहरी व्यास मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये कितना है 6 सेमी है, ये इसका सेंटर मान लो, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 3 सेमी हो जाएगी, ये टोटल 6 है। ओके फिर इसकी मोटाई हाफ सेमी है, तो ये वाला जो दे रखा है ये मोटाई आधा सेंटीमीटर है। धातु की गेंद का आयतन मतलब जो गेंद है उसका आयतन, मतलब ये वाले का वैल्यू पूछिए, कौन से वाले के बीच का एरिया है ना ये वाला, इसका आयतन पूछ रहे हैं। डन, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन निकाल देंगे तो बीच वाले का आएगा, तो बाहर वाले का आयतन 4/3 π r³, तो r कितनी होगी यहाँ से, इसकी तो कितनी है 3 है राइट, 3 3 9 3 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 4/3 π r³ -4/3 π r³, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यदि ये हाफ है तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ वाली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखो ये वैल्यू हाफ है, ये बड़े वाली वैल्यू 3 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, 3 - ½ होगी ना, तो ये कितना हुआ 5/2, ये वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी अंदर वाले गोले की त्रिज्या 5/2, तो π π π 2 का स्क्वायर, तो ये 4/3 कॉमन आ गया, π कॉमन आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25/4, π r³ होता है तो स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, 27 होगा ये 27, और इसका इसका क्यूब करेंगे तो 125/8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू रखो 4/3 π की वैल्यू 22/7, और ये कितना हो जाएगा 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 5 8 16 5 21, 216 - 125/8, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4/3 × 22/7 मल्टीप्लाई, इसको निकालेंगे 5 6 में से 5 5 में 6 में से 5 क्या 1 बच गया, देन और इधर 11 में से 2 गए 9 बच गए 8/2, तो यहाँ से अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 4 1 4 4 2 8, इधर 2 1 2 11 2 2 2 तो ये हुआ 91 × 11 और ये 7 21, तो 91 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आएगा राइट, ये कैंसिल भी तो हो रहा है ना, 91 7 से कैंसिल हो रहा है, 13 7 91 होता है ना 13, तो ये के नीचे 3 ही बचा है, 13 × 11 यहाँ से / 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 13 13 143/3, तो ये किसकी कितना हो गया 3 चौक 12 और बच गया 2 7, और यहाँ से 2 शेषफल बचे / 3, ये ऑप्शन में आ गया ऑप्शन C। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने हो रहे थे, 2 6 इतना ही बचे, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो है किसी गोले का आयतन इतना दे रखा है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आयतन दे रखा है अपने को, गोले का आयतन होता है 4/3 π r³,
वैल्यू दे रखी है 28/12 गुना 14 का क्यूब, और पूछा है वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल 4π r² होता है वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल। तो पहले तो r की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r के लिए इसका क्या करें, कंपेयर करें। तो 4/3 π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर क्यूब इक्वल इधर कितना आया 28/12 गुना 14 × 14 × 14। मैं ये सारे ये वाले वैल्यू इधर भेज रही हूँ इसके भाग में, तो ये ऊपर वाली 22 × 4 और इधर कितना हो जाएगी 3 × 7 हो जाएगी, इधर क्या बची 8 क्यूब बचेगा ओनली। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी अपनी, अब कैंसिल करते हैं इसको, इससे करें 7 × 28, 7 से हो गया ये, और क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है 12, 6 × 12, 7 × 14, इधर से हो रहा है 6 × 12 3, और ये 7 × 14, 3 से 3 कैंसिल, क्या 11 × 22, और ये 7 × 14। तो यहाँ से आर क्यूब कितना बचा 7 7 7, कितना 1 2 3 4 5 11। ये तो मुझे करेक्शन लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से तो आर क्यूब कुछ ढंग की वैल्यू ही नहीं आ रही है। मतलब इक्वेशन में गड़बड़ है, देखना पड़ेगा इक्वेशन फिर से। ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 7 सेमी तिरछा वाले कल करते हैं इसको फिर से रिवाइज। 7 सेमी तिरछा वाला किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ठोस दे रखा है और हेमिस्फेयर दे रखा है अर्धगोला, और इसकी त्रिज्या कितनी है 7 है 7 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 3π r² 3 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 1 7 से ये कैंसिल, 3 × 22 × 7 21 × 22, तो ये कितना हो गया 264। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोले ए व बी की त्रिज्याएं क्रम से इतनी 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 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। ओके दो गोले दे रखे, एक ये है दूसरा ये है। ओके इसके 40 सेंटीमीटर और इसके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय, पहले ए का मतलब ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/3, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π r² r1² दूसरे का 4π r2², तो यहाँ से ये कैंसिल, ये तो कर लिए थे ना अपन ने राइट, दोनों को स्क्वायर रूट लेंगे तो r1 अनुपात r2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 अनुपात 10, 4 अनुपात 1 बचेगा ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कोई गोला है ये वाला, फिर ये वाला, और इस त्रिज्या पहले मैंने 10 ले ली, इसमें 10% की कमी कर दी, तो ये 9 होगी इसकी, क्योंकि 10 का 10% कितना होता है 10/100 1 होता है, कमी कर दी मतलब घटा दिया 1 पर 1, तो ये 9 होगी इसकी त्रिज्या। तो इसका आयतन देखते हैं, पहले वाले का आयतन 4/3 π r³, तो इसका 3
ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, 1000। इसका आयतन, इसका इसके हिसाब से क्या क्या आयतन होगा, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, 9 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, 9 का 729 होता है, तो कितनी कमी हुई, 1000 में से 729। पहले आयतन 4/3 पाई 1000 था, फिर कितना हो गया, 4/3 पाई 729, तो आयतन कितना कमी हो गई, 4/3 पाई 271 की। तो अपने को परसेंटेज में निकालना है कितने परसेंट की कमी हुई। तो किस पे निकालना है, पुराने वाले पे, तो ये इसके अपॉन में पुराने वाला 4/3 पाई 1000 प्रतिशत निकालना है, तो अपना 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से 271/10, तो कितने 21 पॉइंट, सॉरी 27.1% की कमी होगी आयतन में। डन। एक क्वेश्चन और है, करा नहीं क्या मैंने। क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट लास्ट, किसी गोले की त्रिज्या में, इसमें वृद्धि करी थी, इसमें कमी कर रहा है, सॉरी पहले वाले में कमी करी थी, इसमें वृद्धि कर रहा है, की वृद्धि की जाती है, और उसमें आयतन का पूछा था, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं, ये गोला है, ओके, इसकी पहले 10 मान लो, फिर 20% बढ़ा दी, तो नया गोला बनेगा, 20% बढ़ाएंगे, तो इसका 20% कितना आया था, 2, तो पहले 10 थी, 2 और बढ़ गई, 12 हो गई, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाला कितना था, 4πr² मतलब 10 का स्क्वायर, इधर 4π 12 का स्क्वायर, तो यहाँ तो 4π × 100, यहाँ कितना होगा, 4π × कितना होता है, 144 12 का, तो यहाँ से कितना हुआ, वृद्धि कितनी हुई, 4π 44 की वृद्धि हुई, परसेंटेज में वृद्धि पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा, 4π, कितने भी पुराने वाले की, 4π 100 होना, तो ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। डन। क्वेश्चन कंप्लीट आज के, कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए क्या, एक सेकेंड, ये भी हो गया, पेज पूरा स्किप हो गया क्या, ये वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं, एक क्वेश्चन और है, कर लेते हैं, लगे हाथ ही छोड़े भी क्यों, ये तो हो गया फिर, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि एक गोले का की सतह का क्षेत्रफल एस और आयतन वी है, तो S³/V² का वैल्यू, क्वेश्चन है गोले की सतह का क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल है एस और आयतन वी दे रखा है, तो अपने को S³/V² की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को पता है गोले का सतह क्षेत्रफल कितना होता है, 4π r² और आयतन कितना होता है, 4/3 πr³, तो इसका क्यूब करना है, एस का 4π r³, इसका क्यूब मतलब ये 3 बार, तो इसको 3 बार रख लो, या तो 4π r² 4π r² और इसका स्क्वायर है अपॉन में, 4/3 πr³,
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो जितने कैंसिल हो रहे हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, इधर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, तो क्या बच रहा है ऊपर? बट मुझे समझ नहीं आया। अच्छा 1 पाई बच गया ऊपर, क्या क्या बच गया ऊपर? ये आर स्क्वायर, एक तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाले बच गए इससे, तो क्या क्या बचा? तो ये 3 अपॉन में ऊपर जाएंगे, 4 3 3 और इधर 5 बचा, तो कितना होगा? 4 3 12 36 5। ओके क्वेश्चन ये है कि गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग देने पे, किसी गोले के आयतन में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देंगे तो आ रहा है कितना? 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो उस गोले की त्रिज्या बताइए। अपने को पता है गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, भाग दे रहा है सरफेस एरिया का, तो 4 पाई आर स्क्वायर का भाग देने पे, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 4/3 इक्वल कितना है? 27। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 सेंटीमीटर। ओके तो ये क्वेश्चन रह गए थे तो मैंने अभी करवा दिए, आज का कंप्लीट हो गया। अपने जो भी स्पेयर और हेमिस्फेयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस थे वो, नेक्स्ट कल नया टॉपिक देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।